कुछ बताएंगे किले के बारे में हम लोगों को भी? ये किसकी समाधि स्थल है? समाधि स्थल है भैया राजा भर्तृहरि महाराज थे, राजा भर्तृहरि महाराज की है ये? विक्रमादित्य मतलब ये बड़े भाई थे। अच्छा, ये राजा भर्तृहरि की समाधि स्थली है, ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, राजा थे, राजा से योगी जैसे। हो गए थे। अच्छा, योगी हो गए तो बाबा भोलानाथ महाराज हैं गोरखपुर में, हाँ। उनके शिष्य बन गए। अच्छा, तो उनके शिष्य बन गए थे यहाँ, तब का मैं उस समय किला नहीं था, मतलब पूरी पहाड़ था और पीछे गंगा नदी देखी उत्तरवाणी गंगा जी। तो भर्तृहरि बाबा सोचे अगर यहाँ तप करेंगे तो यहाँ मन थे आत्मा थे काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगा जी। तो खुद एक गुफा टाइप घुमाए, अंदर बैठ गया, अंदर बैठने के बाद पेपर से बोले समाधि पर से बंद करवा दी। अच्छा, उनके यहाँ जीवन समाधि। तो क्या विक्रमादित्य भी यहाँ थे क्या शासक? विक्रमादित्य शासन ही करने आए थे, अच्छा भाई के लेने आए थे। अच्छा अपने भाई को यहाँ लेने हैं। शासन यहाँ किसका था, मतलब ये किसका किला है? मैंने विक्रमादित्य है, पृथ्वीराज चौहान है, यहाँ बाबर है, अकबर है, माओ है, शेषासुरी है, अच्छा गोरी है, लोधी है, औरंगजेब है, मतलब किले में 17 राजा राज हुए हैं। अच्छा, बाद में इसे से शासन चला तो अपने राजकाल में अपन अपने हिसाब से चेंजिंग करते चल गए। अच्छा, वो बुलवाए थे राजा विक्रमादित्य 56 BC में। विक्रमादित्य, अच्छा 56 BC में विक्रमादित्य, हाँ। मतलब यहाँ मुगल शासकों ने भी शासन किया, हिंदू राज करे और बाकी मुसलमान राज करे। अच्छा, अब एक सीरियल देखे चंद्रकांता नाटक, जी जी चंद्रकांता है, दिखाया मैं नौगढ़ है, विजयगढ़ है, राजगढ़ है,